सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मिश्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल समेत 5 राज्यों के साथ एमओयू साइन करते हुए हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ में एमओयू साइन होना था। हालांकि पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों ने एमओयू साइन किया है, जबकि पंजाब ने फिलहाल इस एमओयू पर साइन नहीं किया। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहाड़ी राज्यों को होगा, जहां 90-10 के अनुपात से केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि बाकी राज्यों में 60-40 का अनुपात रहेगा। वहीं इस योजना से देश के 50 करोड़ लोगों का फायदा होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा मिलेगी। चरणबद्ध तरीके से देश भर में योजना को लागू किया जा रहा है। सोमवार को भी 6 राज्यों में योजना की शुरुआत की गयी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर क्षेत्र के राज्यों में आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई है। शिमला में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ केंद्र सरकार ने एमओयू साइन किया, लेकिन पंजाब ने एमओयू पर साइन नहीं किए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 के रेशियो से केंद्र सरकार भुगतान करेगी, जबकि केंद्र शासित और बाकी राज्यों में ये रेशियो 60 और 40 का होगा। वहीं राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी रहेगी कि ये सुविधा सभी को दी जाए या फिर इसमें कुछ वर्गों को रखा जाए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि एमओयू के माध्यम से सभी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। एमओयू साइन होने के पश्चात हम जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाया जाएगा। सेंटर का 60% और 40% स्टेट का होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 90-10 का रेशियो होगा। इस तरीके से शेयरिंग होगी, फंडिंग होगी। इसके प्रोसीजर्स क्या होंगे ये हम लोगों ने वर्कआउट किया है। आगे इसके कंसल्टेशन के माध्यम से हम करेंगे। जून महीने में हम आईटी के सिस्टम्स को तैयार करने की स्थिति में आएंगे। जुलाई महीने में हम टेस्ट पर डालेंगे। जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके बाद इसको प्रधानमंत्री जी किसी सही दिन पर लॉन्च करेंगे और उसके बाद भारत की जनता को यह लाभ मिल सकेगा। हम एक स्टेबल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ हम बढ़ेंगे और उसमें हम 50 करोड़ प्लस लोगों को हम 5 लाख रुपए की सालाना हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ कवरेज दे सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देना चाहती है। इस योजना से देश के करीब 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आयुष्मान भारत, जिसे हम सब लोग मोदी केयर के रूप में जानते हैं, इसमें 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देना है। यह हेल्थ कवरेज कैशलेस होगा और पेपरलेस होगा। ये इंस्टीट्यूशन को जाएगा, इसलिए इसमें बहुत बड़ा एक आईटी का एप्लीकेशन होना है और ताकि वो सही व्यक्ति के माध्यम से सही इंस्टीट्यूशन को पहुंचे और सही पेशेंट के लिए लाभ में आ सके। इसके लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी और भारत सरकार ने क्या करना है, स्टेट हेल्थ एजेंसी बनेगी और स्टेट हेल्थ एजेंसी उसमें क्या क्या करेगी और काउंसिल में इसका क्या योगदान होगा, इन सारी बातों पर बेसिक एमओयू आज साइन हुआ है। वहीं पंजाब ने अब तक एमओयू पर साइन नहीं किए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वो दिल्ली में आकर सिग्नेचर करेंगे। हर एक स्टेट के अपने अपने इश्यूज रहते हैं, उन इश्यूज को भी हम लोगों ने, यस वी हैव आस्क्ड देम टू कम टू दिल्ली, वी विल वर्क इट आउट एंड वी विल डू इट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। इस योजना से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज्यादा प्रगति होगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पूरे देश के लिए शुरू की, आयुष्मान भारत, और उसका जो फर्स्ट जो पहला जो MOU पांच देशों के बीच में, उसकी शुरुआत के लिए शिमला आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने चुना, और आज इन सब प्रांतों के बीच में MOU यहां पर साइन किया गया, और उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की जिम्मेवारियां, प्रदेश सरकार की जिम्मेवारियां साझा रूप से हम आगे निभाने की दृष्टि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलकर के काम करें। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का बीमा दे रही है। इससे देश के उन लोगों को फायदा होगा जो गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियो फॉर बेस्ट अपडेट्स।